शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़िम, मुझे मोहम्मद उस्मान अलियास कहते हैं। आप कीमती वक्त निकाल के देखते हैं मेरा चैनल DSP न्यूज़। नाज़िम, इस वक्त लाहौर के NA 190 के अंदर मौजूद हूँ। नाज़िम, इस एन ए को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर कहा जाता है। अगर बात करूँ 2018 की, इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर नायब सदर मलक परवेज साहब, उनका ही बेटा अली परवेज इस हल्के से इंतहाबाद लड़ा था, और इनके मध्य मुकाबले पर पाकिस्तान तरीके साहब की जानब से जमशेद इकबाल चीमा था। इनके साथ साथ अगर बात करें 2024 की, लाहौर की नायब सदर मरियम नवाज साहबा इस हल्के से इंतहाबाद ला रही थी, और इनके मध्य मुकाबले पर पाकिस्तान तरीके साहब की जानब से मियाँ शहजाद फरूक साहब थे। इनके साथ साथ अगर बात करते हूँ, मरियम नवाज साहबा ने इस हल्के सीट हासिल करके इस हल्के की सीट छोड़ दी। इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली परवेज एक मरतबा फिर इस हल्के से इंतहाबाद ला रहे हैं, और उनके मध्य मुकाबले पाकिस्तान तरीके साहब की जानब से मियाँ शहजाद फरूक साहब हैं। क्या आने वाले वक्त के अंदर लोग एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे या पाकिस्तान तरीके साहब को, जानते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। नाज़िन, आज का दिन, आज की बात, आवाम का दिल, आवाम की ज़बान। तो नाज़िन, आइए बाकायदा करते हैं काम का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। चाची, वोट किनू पाया? वोट किनू पाया 2024? वोट किनू पाया? मुस्लिम लीग नू। एवरी की वजह? ओदी वजह बस वजह वक्त दे हकम ने, जेडे वक्त दे हकम होन गे उना नु पावांगे। 2024 फिर इलेक्शन करवा, फिर अल्लाह वारिस है। अली परवेज ला रहे हैं सिलके इलेक्शन, उन्हें मध्य मुकाबले जे मियां शहजाद फरूक ले गया, तो भी लगदा कौन जीतेगा? ओले अल्लाह दी मर्जी, ये अल्लाह दी मर्जी दे कब है। ओ अल्लाह, अल्लाह चाहे ओ जमीन तो चुके आसमान ते पा देवे, अल्लाह चाहे आसमान तो चुके जमीन से बाद, ये अल्लाह की मर्जी से, ये कोई नहीं कह सकता। चाचू, मरियम नवाज इस हल्के जो लड़ी से इलेक्शन वोट पाया, मरियम नवाज वोट पाया है? मरियम नवाज जी मरियम नवाज ने वोट पाया। 21 अप्रैल में फिर इलेक्शन, वो वजह यह हुई सी वक्त हकम उन्होंने बनना सी, तो उन्होंने हकम बन गए। हाँ, जो नवा इलेक्शन हो रहा है, अली परवेज आ रहा है, MLA मियां शहजाद फरूक आ रहे हैं, जी जी अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वाह करम है मालिक का। चाची, वोट किनू पाया 2024? सर जी, किनू वोट पाइए? कौन जितदा ते कौन हारदा है? जेड़ा हारदा है वो बह जांदा है, ते जेड़ा जितदा है वो जेल च। तुहानू की लगदा है कि कौन जीतेगा 2024? सारा ही गलत हो रहा है। चाचू, तुहानू कोई गलत कहंदा है? गलत है कि भाई जेड़ा जीतया है ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਸੀਟਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਲੈਵਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ 2024 ਚ? ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2024 ਕਿਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ? ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹਾਲੇ? 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਨ ਹੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੱਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਉਹ ਬੱਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अल्लाह जाने भाई, रब दिया रब जाने। जो अल्लाह करदा पुत्र ओही बेहतर होंदा है, अल्लाह दी तरफ जिन्नू इज्जत मिलदी है ना ओ बेहतर होंदी है। जेड़ा एक जोरे नाल खो के लैंदा ओ इज्जत नहीं होंदी, जिन्हों अल्लाह इज्जत देंदा ना उन्हों लोग नहीं पसंद करते। वोट पाया? असी PTI नू पाए ने। उन्हें PTI को इंतहाबी निशान ले लिया, उन्होंने बल्ला वाले लिया होया, घड़ियाल नू, घड़ियाल नू दिते ने। हाँ जी, PTI ठीक हो गया। लौट दे नहीं तुसी अगे? मैं मुल्तान दे अस। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ये आवाम का मैंने राय लिया आपके सामने, ये पाकिस्तान तरीके साहब के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान तरीके साहब के वोट डालेंगे। उन्होंने कहा अंधेरी आए, तूफान आए, पाकिस्तान तरीके साहब का वोट डालेंगे और डालते रहें। आइए आगे जाके बात करते हैं और पब्लिक से बात करते हैं। 30,000 रुपया तो आ रहा हूँ, बिल हूँ जो घटते नजायज बिल ने की करिए? नजायज कौन घट? सारी हुकूमत ही करती, नजायज बिल ही आने दो मरे के प्लाट नूं 30,000 रुपया बिल आना। कोई बिल कट हो ही नहीं तो ना हो आए कि गैस का बिल 12,000 रुपया नजायज ही भेजन डे ना, कि जायज भेजन डे? कोई चूल्हे चल देने
चुल्हा एक ही चलता पाया, दो मरले किन्ने चुल्हे चलते ने, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है, अंदर जाके चेक करो जाके, चुल्हा एक ही चलता सुबह तो शाम दो टाइम, वो भी अभी इतों वेले हो गए जाना तो जाके चाह पकानी या रोटी खानी है। चाचू दरखास्त नहीं दी, दरखास्त कौन मान ला, दरखास्त और कहते जाओ उत्ते जाके दरखास्त दो, सारी दुनिया कहें जिसे भी जाओ दफ्तर जो कहते है ही कोई नहीं। चाचू तुम नू नाजनी ये नूली के सपोर्टर हैं, तो बिजली का बिल भी 30,000 रुपये आ रहा है, इसके साथ साथ बात करें अगर गैस के बिल की भी 15 से 20,000 रुपये गैस का बिल महाना अदा करना पड़ रहा है। बात ये है आम शहरी आपके सामने काम कर रहा है एक धूप के अंदर फ्रूट की रेडी लगाकर, अगर हम लोग इसको रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हम लोग किन को रिलीफ देंगे। आज का प्रोग्राम मेरा कोई देखे ना देखे मगर एक खतून मेरा लाजमन देखे, मरियन वासेबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा आज का प्रोग्राम आप लाजमन देखिएगा। ये देख सकते हैं आप, मेरे बड़े भी हैं, मेरे मोज़द भी हैं, मेरे काबिले रिस्पेक्ट भी हैं, मेरे काबिले अदब भी हैं, मेरे काबिले एहतराम भी हैं, मगर बात यह है फल फ्रूट की रेडी के ऊपर खड़े होकर अपने घर को चला रहे हैं और इनको नजायज़ बिजली का और गैस का बिल पे करना पड़ रहा है। ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर काम करें और जितने आप काफ़ी एक्टिविटी का आप दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के हक में भी एक्टिविटी दिखाई दे ताकि आने वाले वक्त के अंदर आम शहरी को रिलीफ मिल सके। अल्लाह का शुक्र करम करम मालक का। चाचू क्या नाम आपका? बाबर सैन। बाबर सैन माशाल्लाह। चाचू किसको वोट डाला 2024 में? यार पाया तो शेर नू सी, क्या हो गया फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या करें। अब आप 2024 के अंदर भी इंतहाबात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शहजादा अली परवेजी जल के इंतहाबात ला रहा है और इनके मध्य मुकाबले अभी काम करके आऊँ, उसका काम करके आऊँ, मैं मुलाजम हूँ सरकारी, ठीक है ना, उसका ही काम करके आऊँ, रोड रोड का काम करते हैं हम, वही करके आया। ठीक है तो चाचू मुझे एक बात बताएं, लगता है कि आपको वाली पूरे सीट हासिल कर पाएगा? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि मरियन वहाँ से आप आपको मियां शहजाद फरूक साहब कहते हैं जी उन्होंने मेरे साथ धांधली की है, इन्होंने मेरा इंतजार रोक दिया था, अब आपको लग पाएगा ये ऐसा मेरिट के ऊपर निकल आएगा? नहीं ये ऐसा ही होगा क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने ज्यादा की है, काम नहीं हो रहा कोई भी, इलाके की बत्तियां बंद हैं और रोड गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी का निज़ाम कोई नहीं है, सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है, सब नील हो गया है। चाचू आपको आपने ये सोच के डाला होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आएगी वोट डालेंगे, खुशहाली आएगी मुल्क के अंदर, बच्चों का फ्यूचर आएगा, पर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मायूस क्यों है आप, मुझे एक बात बताएं? मायूस इसलिए है कि जितने हमें ना कॉरपोरेशन को जो कोई सहूलत नहीं है, सहूलत रही नहीं है, जो तनख्वाही मिलती है ना वो खर्चा नहीं पूरा करते। चाचू कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 5 बच्चे हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, अभी छोटे हैं, छोटे हैं अभी। पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में? मेरी बच्ची है सबसे बड़ी, वो 13वीं में पढ़ रही है। चाचू कभी सोचा होगा हमारा बच्चा आने वाले वक्त के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर पाएगा, या आने वाले वक्त के अंदर हमारा बच्चा? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, क्या क्या होगा क्या पाकिस्तान। मायूस लग रहे हैं मुझे। वो मायूस क्यों है? क्योंकि काम नहीं चल रहे, कोई दारोमदार नहीं चल रहा। मरियन नवाज कहती है कि 1-1.5 साल के अंदर मुल्क में स्टेबल कर डालूंगी। नहीं होगा, यह पक्की बात नहीं होगा, क्योंकि ये 70 साल का बिगड़ा हुआ मुल्क है, इसको कोई भी आदमी सवार नहीं सकता। लेकिन मरियन नवाज कहती है जी 2017 से पहले जो हमने हुकूमत की है वो हुकूमत हमारी बड़ी अच्छी गई है, हर बंदे को पता है कुछ भी नहीं हुआ। रेपुटेशन का पता, ये जो अभी राशन बांटा है वो किसी को मिला? किसी को भी नहीं मिला, जो हकदार है उनको नहीं मिला, पता नहीं किधर गया राशन। किसी भी गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, पूछे किसी को, किसी का राशन निकला? मरियन नवाज से बात कहती है कि मेरे नुमाइंदे खुद घर में, वो कुछ भी नहीं किया बेटा, बुरी बात है, हम नहीं मानते इसको। हाँ मरियन नवाज कहती जी थी घरों में कहते राशन जाएगा, जो हकदार है उसको पास आने के लिए कोई भी नहीं काम हुआ, कोई 1 रुपये का काम नहीं किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। आपका? मेरा सैयद इश्तियाक शाह गलानी। मेरा समझ नहीं आई आपकी बात की। हाँ जी हाँ जी, अली परवेज को वोट डालना चाहिए, कोई शेर है कोई मुल्क के हालात ठीक हों,
पिछले कई मैंने अपनी लाइफ में पहली ही देखी है कि इतवार की छुट्टी का दिन भी ऐसे नहीं कभी लगा कि जो दुकानदार में खुद दुकानदार हूँ, मेरी पान शॉप है, बिल्ला शाह पान शॉप है मेरी। मैंने खुद देखा है कि मुल्क के हालात सुना था ख़राब हैं और दुकानदार हो रहे हैं, बोतलें नहीं बिक रही। ये क्या वजह, महंगाई की वजह से ये मामला आ रहा है? महंगाई की वजह से नहीं, दुनिया पिसी हुई है, इमरान खान के टाइम पे पिसी हुई है। तो बिल आ रहे हैं, सुई गैस का बिल 50,000 रुपया आया है। बिल तो बात बिल की नहीं है, बात है उसकी, बात है बिल की बहुत बड़ी बात है। 50,000 रुपया जिसको बिल आएगा वो क्या करेगा जी? वो तो बेचारा हार्ट अटैक का मरीज ना जी, आपकी हार्ट अटैक होगा उसको। मेरा खुद बताते खुद बिल दुकान का 2,000 रुपया आता था, 1600 रुपया नवाज शरीफ के टाइम पे। ये अभी नवाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर इतना बिल आ रहा है, क्या मजा गया है? क्या ये हालात खराब हो चुके हैं? कुछ टाइम लगेगा सही होने, कोई टाइम लगेगा। कह दे रही है 1-1.5 साल के अंदर मुल्क स्टेबल कर दा। नहीं वो होंगे हालात ठीक, अल्लाह के हुक्म से होंगे, नजर आ रहा है आपको बेहतरी नजर आ रही है। इसको वोट डालेंगे मियां शहजाद फरूक या अली प्रवेज साहब को? इंशाल्लाह 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 अल्लाह के फजल व करम से। तो आप इसको वोट डालेंगे किस प्रैल पे? देखो मेरी बात सुनो, शेर को शेर शेर गलत बयान कर रहा हूँ, मैं गलत बयान ही नहीं कर रहा, आज तक इनको ही वोट डाला तो इन्होंने ही हाल पैदा कर दिया। वो इमरान खान को तो कह रहे थे ठीक है, अब तो नहीं है ना शेर का वोट। वो जाहिर सी बात है, कोई बंदा किसी दुकान से कोई पान खाने जाता है, यार उसका पान नहीं सही, तम्बाकू 2 नंबर है, बस आगे से आप ही सोच लो ठीक हो। आप किसको डालेंगे? नहीं देखो मेरी बात, मेरी बात सुन, ओ बेटा बात तो सुन लो, हमारी ड्यूटियां लग जाती हैं, ड्यूटियां लग जाती हैं इलेक्शन के दौरान, ड्यूटियां लग जाती हैं हमारी पोलिंगों के ऊपर या तलाशी लेने में, वो ऐसा काम होता है। चाचू आप हल्के के अंदर ना, आपका वोट तो डालना बंद है। नहीं डालते हैं, हम नहीं डालते, आप नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तानी नहीं है। हम 100 रुपए दे नहीं छा 200 यार दे देते हैं ना, कोई काम नहीं हो रहा। चाचू केरी जगह से आए हो? केरी जगह से काड़े दो ना जी, ये उकारे से हैं, इनका कहना है जी कोटा होटल से हमें चाहिए 100 रुपए का कप मिल रहा है, जो कितनी होनी चाहिए कम से कम आपके हिसाब से? 50 रुपए की चाचू, 50 रुपए होटल ने 50 रुपए चाचू अरनाले आओ चाले होटल ने साढ़े 50 रुपए की चाय चाचू 50 इन्हां नाल वधिया चाचू। तो इमरान खान वोट ना? ओ नहीं नहीं असी नहीं, इमरान खान इमरान खान दे सपोर्टर ने, उन्होंने देनी है, तुसी की करोगे उते? फिर असी नून लिख शेर नु देने ने, ओ इमरान खान दा सपोर्टर है, ओ तुसी फिर शेर दा नाम तुहानू तद करके दित्ती होनी है, ओ भावे 300 मंगण शेर दे नाल दे, तुसी भावे शेर दे सपोर्टर के आओ, ओने तद करके तुहानू पूरी चाय शेर दे नाल दे, भावे 300 रुपया मंगण दे देंगे। ए जेड़ा हो रिया वा ए, क्या की वजह चाचू? लेकिन बिजली मुझे एक बात बताएं, 2024 के अंदर मरियम नवाज साहब हल्के से इलेक्शन लड़ी थी, मियां शहजाद फरूक उनके मध्य मुकाबले पे था, अब अली प्रवेश इस हल्के से इलेक्शन लड़े उनके मध्य मुकाबले पे मियां शहजाद फरूक है, क्या आपको क्या लगता है इस हल्के से कौन सीट हासिल करेगा? इस हल्के से शायद पीटीआई को जो सीट मिल जाए। चाचू आपने तो बेटा ज़्यादा मौके देखे होंगे, आपको क्या लगता है इस हल्के से कौन वोट लेगा, पाकिस्तान तरीके साहब या पाकिस्तान मुस्लिम? गरीब आदमी महंगाई में पीसी जा रही है, आटा कम नहीं हो रहा, चीनी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई बताएं कोई जो भी आती है हुकूमत आती है वो गरीब आदमी को सोचता है? कोई नहीं सोचता। चाची वो तो कहते हैं जी इमरान खान साहब मुआहदे करके गए हैं, कोई भी मुआहदे नहीं करते, जो भी आता है गरीब आदमी को सोचते अपने पेट पे हाथ मारते हैं। चाची मुझे एक बात बताया, मेरे बड़े हैं, कभी आपने ऐसा वक्त देखा जिस वक्त का सामना कर रहे हैं 2019-2020 के अंदर, 2002 के अंदर? इससे पहले चले जाना, 2002 का दौर अच्छा था, 2004 के दौर अच्छा था, 2008 के अंदर वो भी अच्छा था, हमें भी ये मियां नवाजी साहब ने ऐलान किया, ऐलान तो किया था कोई, ये तो लैपटॉप का क्या फ़ायदा, क्या बनेगा लैपटॉप से? ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? नहीं होगी, क्या उसे बच्चे खाना खाएंगे, क्या करेंगे बताएं मुझे? महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही, इसे आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, गरीब आदमी तो महंगाई में पैसे जा रहे हैं। नवाजी साहब कहते हैं बच्चे लैपटॉप के बिजनेस करेंगे, नहीं ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये
नहीं नहीं लग रहे हैं। मैं देखो हम यूसी तो आपको सर बता तो रहे हैं भी हम क्या तोक्को रखें, क्या उम्मीद रखें इन पे। आपने सही सही बात करनी है, पहले किसको वोट डाल दे? मैं पहले नोनी को डालता था शुरू से, अब किसके डाला 2024 के? तरीके लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह, हम तरीके लब्बैक नहीं दे हैं। अब तरीके लब्बैक इलेक्शन तरीके साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कोई बात नहीं, हम इस टाइम पीडीए को वोट देने का तैयार हैं। पीडीए को कंफर्म बात है चाचू, देख लेना इंशाल्लाह। पीडीए का इंतहाबी निशान बंदा भी ले लिया, कोई बात नहीं। अब उनका इंतहाबी निशान घोड़ा आ गया, मैं कहना कोई बात ही नहीं, घोड़े को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। देखो ना किसी पे तुक्का तो नहीं चाहिए ना भी, कोई तो हुक्मरान सच पे खड़ा है, अमीर पे कायम है। इमरान खान साहब को घोड़ा इंतहाबी निशान दे दिया गया है, इतवार को इंतहाबाद 21 अप्रैल को इंतहाबाद करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल कराया जा रहा है, जो वोट है एन 119 के अंदर है। नहीं मेरा वोट तो कोट अब्दुल मालिक में है, ठीक है। चाचू कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? ये बच्चा पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, ये 8 में है 9 में। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों का मुस्तकबिल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, मायूस इसलिए हम देखते हैं मुस्तकबिल कैसे बन पाएगा जब महंगाई कंट्रोल, या गरीब आदमी एक अपने बच्चों को पालेगा या बच्चों को पढ़ाएगा या बच्चों का पेट पूरा करेगा, बताएं मुझे। बाहर की कंट्रियों के अंदर ही महंगाई है, लेकिन आप यहाँ से मायूस तो हो। मुझे एक बात देखे, मेरी बात सुने, हम गरीब आदमी महंगाई में तो पीछे जा रहे हैं। एक आदमी 10,000 या 20,000 सैलरी कमा रहा है, वो अपने बच्चों का पेट पूरा करेगा या अपने बच्चों को तलीम दवाएगा, बताएं मुझे। चाचू आपकी बात ठीक है। चाचू जो आपके 2 बच्चे हैं वो क्या करते हैं? बहुत देखा कैसे 2 बच्चे हैं ना, वो एक बच्चा पढ़ता है और एक बच्चा और बाप काम करते हैं। कितनी है? कितनी है किसकी? मेरा बच्चा माशाल्लाह वही पढ़ रहा है, वो 8 क्लास में, ये 7 में है, ये दरअसल नामी का कोर्स कर रहा है आलमे दीन का।